अच्छी बात है। ओके, कौन बताएगा पहले? जोया आप बताओ। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, एंड मैम हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल से बना होता है। एंड मैम हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में। ओके, मैम डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। वेरी गुड। अच्छा, अब तक तो आप 10th क्लास में पहुंच चुके हो, तो इतना तो आपको पता होगा ना बेटा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। ठीक है, इतना सबको पता है। अब इतना भी आपको पता चल गया होगा जो आप हमेशा सुनते आ रहे थे कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना? सेल के बारे में इतना तो समझ में आ ही गया होगा बेटा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, यस मिस, कंप्लीट कर दिया था। ओके, सेल वॉल यस कंप्लीट नहीं किया था। मैम यस स्टार्ट। सेल वॉल रह गया था ना, तो आज यस मैं आपको करवा रही हूँ सेल वॉल। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसमें होती है? आउटर मोस्ट लेयर जिसकी होती है वो कौन है? एनिमल एनिमल सेल एनिमल्स की अगर हम सेल देखेंगे और प्लांट की अगर हम सेल देखेंगे, तो एनिमल्स की सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नेम होता है क्या? सेल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम प्लांट की आउटर मोस्ट सेल सेल देखें, सेल यानी वॉल। कि यस सेल सेल वॉल। वॉल, कहने का मतलब जो आपकी प्लांट सेल होती है उसमें एडिशनल आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, जिसको हमने नेम दिया है सेल वॉल। ये बनी किसकी होती है? सेलुलोज। 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 और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन। लिपिड्स एंड लिपिड्स प्रोटीन। वेरी गुड, मैम इतना आप लिपिड एंड लोगों को अच्छी प्रोटीन बात। अलग अलग ठीक है, होते हैं? हाँ अलग अलग हैं लिपिड एंड प्रोटीन, अभी पढ़ोगे आप। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसका एक और नेम था जिसको हम क्या कहते हैं? सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है या रिजिड होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर आने की परमिशन देती है। लेकिन हमारी जो सेल वॉल है बेटा, ये कैसी होती है? फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल एंड रिजिड होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है? सारे सब्सटेंस को ये अलाउ करती है अंदर आने के लिए, यहाँ पे ये किसी को भी रोकती नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट करने को आएगा अगर एनिमल सेल्स में एंड प्लांट सेल्स में को कर लोगे। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो आज हम पहले पढ़ेंगे टॉपिक सेल वॉल, देन हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? ओके, तो सेल वॉल हमने देख लिया है बेटा, ये है आपकी प्लांट सेल। प्लांट सेल को अगर हम देखते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर इसकी है वो है सेल वॉल, जो कि एडिशनल है क्योंकि ये एनिमल्स वॉल में प्रेजेंट नहीं है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी शायद कल, जो हमारी एनिमल सेल होती है बेटा, जो कि सेल मेम्ब्रेन उसकी आउटर मोस्ट लेयर है, वो कैसी होती है? लिविंग होती है। लेकिन ये सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये डेड होती है। एक और आपको डिफरेंशिएट करने को इसमें मिल गया है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, फ्रीली परमिएबल है यानी कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। किस किस को पता है ये? यस मिस। यस मिस। यस मैम। तो जो ये सेल वॉल होती है ना बेटा, ओहो एक सेकेंड रुको, तो जो ये सेल वॉल होती रिजिड है, यानी ये अपनी शेप चेंज नहीं करती बेटा। ठीक है,
सेल मेम्ब्रेन तो क्या होती है, उसको अगर कहीं से भी कुछ मिल गया कि हाँ ये इसके काम की चीज है तो उसको फटाफट से ग्रैब कर लेगी, लेकिन ये ऐसे नहीं करती। इसकी सेल वॉल होती है बहुत रिजिड, ठीक है, यही रीजन होता है ये अपनी शेप चेंज नहीं करती है, अपनी शेप को रखती है मेंटेन, जिस वजह से सेल वॉल के रिजिड होने की वजह से जो आपका प्लांट होता है वो स्ट्रेट रह पाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सेल वॉल के बारे में। यस मैम। नेक्स्ट, अभी तो हमने सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, तो अब सेल के अंदर क्या है। कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर हम बॉडी के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स। वेरी गुड। तो ये है हमारा सेल, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और इस न्यूक्लियर इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर इस एरिया को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। गुड। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता होगा? Mitochondria, ठीक है। तो कहने का मतलब साइटोप्लाज्म के पास और भी कुछ प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लूइड भी तो है, लिक्विड भी तो है कुछ। कोई मुझे ये बताए कि साइटोप्लाज्म हमने लिख तो दिया, तो साइटोसोल किसे कहते हैं फिर? डॉट्स को। किसको? डॉट्स। द लिक्विड पार्ट व्हिच इज बिसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स, अपार्ट फ्रॉम द सेल ऑर्गेनेल्स द लिक्विड लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर नो ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो आपका जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला एरिया जो होता है उसको तो हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाँ इसको ध्यान से समझना। ये है आपके पास साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में लिक्विड भी होगा यानी कि वाटर, और साथ में सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। तो जब ये दोनों प्रेजेंट होगा तो उसको हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया बेटा। लेकिन अगर हम ऑर्गेनल्स को हटा तो क्या बच रहा है? सिर्फ वाटर। वाटर, इसको कह रहे हैं हम साइटोसोल। अब ये बताओ साइटोसोल और साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया? यस यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है बेटा साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है, ये वाटर तो होता ही है बेटा, इसमें कुछ वाटर प्रेजेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म है ना, वाटर है उसमें बहुत ज्यादा। अब उस वाटर में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा बेटा जो सेल को चाहिए होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस टीचर। यस। दूसरी चीज, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे बेटा वो हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं और साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने नाइन्थ क्लास नाइन्थ में रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो किसी ने रेस्पिरेशन चैप्टर में ये जरूर पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो दो स्टेप में होता है, और मैंने जोया और को अच्छे से पढ़ाया है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलिसिस एंड कर्ब साइकिल। कर्ब साइकिल। और सेकंड प्रोसेस कहाँ होता है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो वही बात कर रहे हैं बेटा, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है बेटा सारा अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा हार्ट हमारा फंक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो स्टमक का काम तो नहीं करेगा, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो सारा अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। लिक्विड के साथ अगर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है तो उसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म।
अगर सिर्फ लिक्विड की बात की जाए तो वो है आपका साइटोसोल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम देख रहे हैं बेटा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। पहले ये है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस भी, इसमें भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह। बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, डबल लेयर होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस यस मैम, केमिस्ट्री की क्लास लगाऊंगी। ठीक है, तो ये है बेटा डबल लेयर। इस आउटर मोस्ट लेयर को एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं हम क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेरी गुड, ये तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सोचो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड होता है, यानी कि इसमें भी कुछ लिक्विड है। उसको क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमें मिल गया। अब इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल भी होता है बेटा, वो क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर। वेरी गुड, कुछ इस तरीके से होते हैं अरेंज। ठीक है, ये है हमारे क्रोमेटिन फाइबर। अब ये आपको जो दिख रहे हैं बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कब होता है? इस टाइम सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम वो शेप चेंज कर देता है आपका क्रोमेटिन, कुछ ऐसे बन जाते हैं ये। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ये कब है? सेल डिवीजन से पहले, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो अभी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो जो आपके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो क्रोमेटिन फाइबर दिख रहे हैं, ये अभी ऐसे दिखेंगे। लेकिन जैसे ही डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये अपनी शेप चेंज कर देंगे, ये ऐसे हो जाएंगे। इसी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो है आपका डीएनए। जब डिवीजन होगा, ये मैं आपको जब सेकंड चैप्टर करवाऊंगी तब करवा दूंगी, वरना क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हमने क्या क्या देखा? सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको नेम दिया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अब अंदर अगर हम जाते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है एक लिक्विड, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है आपके क्रोमेटिन फाइबर। ये क्रोमेटिन फाइबर जो है बेटा आपके डिवीजन से पहले के हैं। ठीक है, जब डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन क्या करेगा? अपनी शेप चेंज कर देगा, ऐसे बन जाता है। ठीक है, एक और चीज में प्रेजेंट होती है, उसका नेम क्या है? डीएनए, सॉरी सॉरी, न्यूक्लियोलस। टीचर, आई थॉट दैट यू आर टेलिंग क्रोमेटिन फाइबर्स। यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा इस न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? वैसे तो पढ़ना हमें बाद में है इसको पूरा, बट इसका काम क्या है कोई बताएगा? इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स। वेरी गुड, इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है बेटा? भरपूर क्वांटिटी में हमारा आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। अभी हम जब फंक्शन स्टार्ट करेंगे इसके, अच्छे से मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर है, नाइन्थ में भी पढ़ाया आपने, लेकिन अभी हम सेल डिविजन पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। सारा जैसे, ओके, वेरी गुड। तो हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया है, हमने साइटोसोल पढ़ लिया है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिया है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। अभी तक तो हमने सिर्फ सेल को देखा था, अब हम देख रहे हैं ये सेल ऑर्गेनल्स हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं अभी ईआर। ईआर को हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? देखो, ये है हमारा सेल, फिर से बार बार सेल बना रही हूँ, ये है हमारा न्यूक्लियस। बोर तो नहीं हो रहे हो? ओके, ये है हमारा बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ड्रॉइंग में मत जाना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा क्या बेटा, इसमें ना होता क्या है बेटा, देखो इसकी जो इनर एंड है ना, ये इनर एंड, ये तो ज्वाइंट हो रखी है आपकी किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये कौन, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो कहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। और जो आउटर एंड है ये आपके किससे अटैच हो रखा है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसमें अगर राइबोसोम्स अटैच होंगे तो इसका एक नेम होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन जहां पे राइबोसोम्स अटैच ही नहीं है बेटा, तो उसको क्या नाम दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना तो आपको क्लियर होगा, है ना। अब फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा बेटा, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। अब क्या बनाता है ये, देखो राइबोसोम्स है, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको सिंथेसिस करता है, ठीक है, इनको बनाने में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर कल समझाया हो आपको मैंने, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है इसको, फ्रॉम द राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर क्या रहा है बेटा, हमारे जो SER होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, ये फैट के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो ये चीजें बन रही है, इसमें से कुछ क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है इसको बनाने में हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई। और कुछ क्या होते हैं बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिसके थ्रू ये बना है, प्रोटीन, लिपिड, आपका फैट, सेल मेम्ब्रेन में तो हेल्प कर दी, बाकी जो बचता है वो हार्मोन एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यस मैम। अब हम यहीं पे पढ़ लेते हैं राइबोसोम के बारे में, तो सेकंड में लिख देती हूँ राइबोसोम, इसे इरेज नहीं करती हूँ फिर। अच्छा, राइबोसोम का काम क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्या है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस में काम, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं या प्रोटीन को बनाते हैं। अब देखो बेटा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी दाने की तरह होते हैं। अब ये रहेंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म में रहेंगे। देखो अभी मैंने बना रखा है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में तो बात कर रहे हैं अभी हम, तो साइटोप्लाज्म के अंदर है अभी। या तो ये फ्रीली स्कैटर होंगे यानी कि बिखरे हुए होंगे, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। बात क्लियर हो गई, यस टीचर। हमने दो चीजें पढ़ ली है, फर्स्ट हमने देख लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमने देख लिया है राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया प्रतिष्ठा, फंक्शन क्या है, मिस इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, इफ द राइबोसोम्स आर अटैच्ड देन दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देन दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it forms a supportive framework for the cell. ठीक है, function function बताएंगी कौन, वानी। It transports proteins and fats. Very good. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी endoplasmic reticulum में protein, आपका lipid, ये सब बन रहा है। अब इसको packaging का काम कौन करने वाला है, Golgi body. तो पहले आपको दो सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से क्लियर है, दो तीन टर्म्स हैं जो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो ये बेटा, मुझे कोई बताओ कि जो वेसाइकल है ये क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, और ये चलो ये दोनों बता दो मुझे पहले। तुम वैक्यूल इज अ वाटर सैक, और तो वेसाइकल vacuoles क्या है, are clear spaces. वेसाइकल मैम, वेसिकल्स आर vacuoles are present in plant cell, acts within the body of the cell. ठीक है,
गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपिटस, कोई इसको गॉल्गी भी बोलता है, कोई इसे गॉल्जी भी बोलता है। तो गॉल्जी बॉडी के बारे में अगर हम पढ़ें, चलो मैं एपिटस लिख देती हूँ यहाँ पे। अब देखो बेटा, ईआर ने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन, हमारा लिपिड हो गया, फैट हो गया, इन सबको बनाया यानी कि सिंथेसाइज किया। उसमें से कुछ क्या हुआ, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में लग गया। कुछ क्या हुआ, कुछ ऐसे ही एंजाइम हार्मोन की तरह रह गया। अब यहाँ बात किस चीज की हो रही है, गॉल्जी एपरेटस की हो रही है। इसका काम क्या होता होगा फिर गॉल्जी एपरेटस का, सिंथेसिस एंड सीक्रेशंस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, होता क्या है बेटा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन हो गया, जो भी होगा, उसको ये रिसीव करेगा पहले तो, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा। पैकेजिंग करने के बाद अपने आप से ही ये सीक्रेट कर देता है कुछ वेसाइकल्स को। अब देखो वेसाइकल्स कैसे वैक्यूल बन रहा है, कैसे लाइसोसोम्स बन रहे हैं, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, कह रही हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये है आपकी गॉल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है बेटा, जैसे भी बन रहा है इसको बस आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये है गॉल्जी बॉडी। अब होता क्या है बेटा, अच्छा मुझे एक चीज और बतानी थी, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये फ्लैट फ्लैट सरफेस दिख रही है, इसको एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो फ्लैट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फ्लैटन जो सरफेस है, इस एरिया को, इस फ्लैटन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, इसको कहते हैं हम सिस्टर्ने। क्या कहते हैं, सिस्टर्ने, सिस्टर्ने। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सिस्टर्ने, वेरी गुड। तो गॉल्जी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बेटा, ये ग्रेन्यूल्स की तरह भी होता है, रॉड शेप भी होते हैं ये, ठीक है, फ्लैट होता है इस तरीके से, अगर फ्लैट होगा तो उसको हम सिस्टर्ने कह रहे हैं। ठीक है, इसके साइड में अगर आप देखोगे, यहां से धीरे धीरे वेसाइकल्स बन के रिलीज, मतलब सीक्रेट होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां से अगर कोई प्रोटीन बनकर के आ रही, कोई भी वेसाइकल्स आ रहे हैं, उस वेसाइकल्स में बेटा एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, फैट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उस वेसाइकल्स में। ठीक है, वो वेसाइकल्स क्या होंगे बेटा, यहां से होते होते कहां जाएंगे, वो कहां जाएंगे, उसे रिसीव कौन करेगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के आया उसे रिसीव कौन करने वाला है, प्रतिष्ठा, सेल मेम्ब्रेन, नो। तो गॉल्जी बॉडी का काम क्या है फिर, यस मिस, गॉल्जी बॉडी इज रिसीव। देखो होता क्या है बेटा, गॉल्जी बॉडी जो होती है ना, ये रिसीव करती है, ये क्या करती है, पैकेजिंग का तो काम करती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पहले मैं ढंग से बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर रख रही हूँ बेटा, अभी ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरीके से गॉल्जी प्रोसेस बना रही हूँ, ये हो गया। होगा क्या, माना इसने प्रोटीन लिपिड कुछ भी बनाया है अभी, ठीक है, तो ये गॉल्जी बॉडी क्या करेगी, अपनी एक साइड से इसको रिसीव करेगी। जैसे ही ये रिसीव कर रही है, माना ये हमारे पास इस तरीके से वेसाइकल्स बन गए अभी, तो ये रिसीव कर रही है, यहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। जैसे ही ये एंड में क्या होता है ना बेटा, एंड में क्या होगा, ये वेसाइकल्स बाद में टूट जाते हैं। अब ये कुछ वेसाइकल्स क्या होंगे बेटा, कुछ में वेस्टेज होगा, कुछ में प्रोटीन होंगे, कुछ में आपके फैट होंगे। अब कुछ वेसाइकल्स क्या होते हैं, जिसको जो वेस्टेज होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, कुछ क्या होते हैं अंदर ही रह जाते हैं। अब जो अंदर रह गए, माना अगर वो साइज में बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं, तो उसको तो हमने वैक्यूल्स कह दिया। और जो अंदर रह गए, लाइसोसोम्स नाम दिया गया उसको। अब इस लाइसोसोम्स में क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव एंजाइम हो सकते हैं। बात समझने की कोशिश करना, क्या बताया मैंने, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या किया, प्रोटीन लिपिड जो भी बनाया, अब उस गॉल्जी एपरेटस ने उसको रिसीव किया, उसने उसको उसको पैकेजिंग की, पैकेजिंग करने के बाद वो अपने एंड से उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है और छोटे छोटे वेसाइकल्स बना देता है। जो वेसाइकल्स वेस्टेज है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं बेटा, जो वाटर होता है जिसमें प्रेजेंट, जिसको हमने वैक्यूल्स बोल दिया, कुछ उसमें लाइसोसोम्स होते हैं। ये बात क्लियर हुई, यस। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बोलो।
मैम ये वेसाइकल क्या होते हैं, मैं भूल गई, देखो आई कांट, यही मैं तभी मैं स्टार्टिंग में पूछी इस चीज को कि किस किस को क्लियर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो आपके लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स होते हैं ना, ये बनते किससे हैं? जो लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स है, पहले इसको क्लियर करो, पहले इसलिए मैंने पूछा था इस चीज के बारे में, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, पहले ये बताओ। वेसाइकल्स। वेसाइकल्स से बनेंगे? नहीं, ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी बॉडी, इनकी वजह से बनते हैं ये दोनों। अभी मैं आपको तभी तो पूछ रही थी पहले ही, अब आपने कहा क्लियर है तो इसलिए मैं आगे बढ़ गई। यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, जो आपकी गॉल्जी बॉडी है ना, वो इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। अब फंक्शन तो सभी कर रहे हैं ना बेटा, तो ये क्या करेगा, देखो वेसाइकल्स कुछ नहीं है हमारे, ये जो दिख रहा है ना, ये हमारे वेसाइकल्स हैं अभी तो, जो यहाँ साइड में प्रेजेंट है। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से ट्यूब बन जाती है, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो भी इसने यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव किया, फैट होगा, प्रोटीन होगा, देख रही हूँ देवांशु में आपको, फैट होगा, प्रोटीन होगा, जो भी होगा, जिसको भी इसने रिसीव किया हमारे गॉल्जी ने, वो क्या करेगा, अपने से अलग भी तो करेगा बेटा, वो पैक तो कर चुका है। अब पैक करके अगर आप गिफ्ट को पैक कर रहे हो, अगर किसी को दोगे नहीं तो क्या फायदा। तो जो गिफ्ट आपने पैक किया है ना, उसको समझो वो वेसाइकल्स हैं अभी। अब उस गिफ्ट के अंदर क्या है वो हमें नहीं पता। अब ये वेसाइकल्स जैसे हम ब्रेक करेंगे, यानी कि ये अलग हो जाएंगे। अब इतना तक समझ में आया, हो सकता है बेटा इस वेसाइकल्स के अंदर अभी प्रोटीन हो, फैट हो, एंजाइम हो, डाइजेस्टिव, ये सब हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम होए तो वो लाइसोसोम कहलाए, यानी कि उसको लाइसोसोम्स कह रहे हैं हम। अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है, यानी कि वो बड़ा हो जाए अगर, तो उसको हम वैक्यूल्स नाम दे रहे हैं। तो वेसाइकल्स तो क्या है आपके, जो ब्रेक होकर के निकल रहे हैं, जिसमें आपके क्या है, एंजाइम है, प्रोटीन है, फैट है, लेकिन अगर उसमें क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या हो गया, लाइसोसोम, यानी जो सेल के अंदर रह गया। देखो अगर प्रोटीन होगा, फैट होगा, तो ये फॉर श्योर है कि वहां पे क्या होने वाला है, अगर प्रोटीन की जरूरत किसी को तो निकल जाएगा, क्योंकि फैट और प्रोटीन क्या कर रहा है बेटा, प्रोटीन तो आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रहा है, बाकी का बचा वो क्या है, हॉर्मोन्स या एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, ये आपका क्या बना रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें नहीं भी तो 40 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारे एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज को खा जाते हैं। तो पहले वेसाइकल समझ में आया, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, मैम तरबिया, समझ आ गया मैम, तरबिया समझ में आ गया, तो तीन चीजों में कंफ्यूज मत होना बेटा। वेसाइकल्स क्या है आपके, यहाँ से जो भी वो रिसीव कर रहा है, एक एक स्टार्टिंग फेज उसका होता है जहां से वो रिसीव करेगा जो भी ईआर ने बनाया, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो अभी वो वेसाइकल्स है, उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम मिले तो वो लाइसोसोम्स है, जो कि सेल के अंदर ही रहता है, लाइसोसोम्स कहीं नहीं जाएगा, सेल के बाहर चला गया वो तो वेस्टेज हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गई बात? यस मैम, थैंक यू मैम, यस मैम। आपने कहा था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, बट इसमें आपने कनेक्ट नहीं बताया, भी जरूरी तो नहीं है वो कनेक्ट हो या ना हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि कनेक्ट हो सकता है हो, तो मैंने वो बताया, ठीक है। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? रोहिन मैम। हाँ रोहिन बोलो। मैम मैंने डाउट पूछा था आपसे, ये अब क्लियर हो गया। ओके देखो बेटा, अगर मैं आपको सीधा ये बोलते कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अटैच नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता, तो आपको क्लियर नहीं होती चीजें, तो मैंने वो बताई है जो होती है, ठीक है। तो नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, अगर है तो वो ऐसे है। बात क्लियर हो गई रोहिन? यस मैम। वेसाइकल्स किस किस को क्लियर हो गया है? हम क्लियर हो गया। क्लियर मैम। वैक्यूल किस किस को क्लियर हो गया? यस मैम। कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम वैक्यूल, व्हाट इज वैक्यूल्स? मैम कैन यू अगेन एक्सप्लेन अबाउट वैक्यूल्स? ओके, वैक्यूल्स कुछ नहीं है बेटा, देखो अगर आपने प्लांट सेल में देखा होगा ना, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन के आता है, उसमें होता क्या है पहले तो वैक्यूल में ये बताओ। वाटर। तो वही आपको मैम, वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। हाँ, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, आयंस होते हैं,
वाटर के अंदर मैंने आपको भी बताया ना कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो सब उसमें प्रेजेंट है। तो वैक्यूल्स कौन है जिसमें वाटर प्रेजेंट, आपके लाइसोसोम कौन है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम तो वैसे देखो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो हमने उसको लाइसोसोम कह दिया। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले उसको तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं बेटा जो वेसिकल्स हैं इसमें सब कुछ प्रेजेंट हो सकता है, एंजाइम प्रोटीन फैट सब कुछ, ठीक है। लेकिन जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा वो लाइसोसोम होगा, जिसमें वाटर प्रेजेंट होंगे या साइज में बड़ा हो जाए उसको हम वैक्यूल्स नाम दे रहे हैं। एनिमल्स में बहुत कम होते हैं, लेकिन प्लांट में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे प्लांट का तो उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है जो न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है वैसे, ठीक है। बात क्लियर हो गई या नहीं हो रही है? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके तो इतना समझ में आ गया? यस यस मैम। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैं इतना डिटेल में अभी नहीं करवा रही हूँ बेटा आपको, क्योंकि ये शायद आपने नाइन्थ में तो पढ़ा होगा ना बेटा। चलो हो गया, आगे बढ़ो। यस मैम। यस ओके। तो हमने इससे सीखा क्या, जो हमारा गॉल्जी बॉडीज है इससे क्या बन रहा है, इसका काम क्या है, पैकेजिंग करने का, मॉडिफाई करने का काम है, ठीक है। फिर से वही बोल रही हूँ, सारा जो भी इसमें निकल के आ रहा है ब्रेक हो जाता है वो वेसिकल्स हैं हमारे, उस वेसिकल्स में कुछ भी हो सकता है। अगर जो सेल के अंदर रह जा रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गए, सेल के अंदर जो है लाइसोसोम्स हो गए। अगर वो सेल के अंदर बड़े हो जाए साइज में तो वो हमारे वैक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो वेस्टेज होंगे और वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा लाइसोसोम के बारे में, तीन बता दिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कौन सा बताया हम, राइबोसोम, थर्ड कौन सा बताया, गोल्जी एपरेटस, फोर्थ कौन सा पढ़ रहे हैं हम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। वेरी गुड, कल केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। लाइसोसोम, अब ये लाइसोसोम्स क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया ये हमारे स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। इस वेसिकल में क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। लाइसोसोम्स हमारे स्मॉल वेसिकल्स हैं बेटा, जिसमें कोई वेसिकल भी बोलता है कोई वेसिकल भी बोलता है, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉल वेसिकल्स हैं जिसमें हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, कोई मुझे लाइसोसोम का फंक्शन बता दे। सुसाइड बैग्स मैम, इंट्रासेलुलर बैग्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दे डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंसेस एंड समटाइम्स इंजर्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब गॉल्जी बॉडी से बहुत सारी चीजें निकल करके आती है, जैसे कि फैट के वेसिकल्स हो गए, आपके एंजाइम के हो गए, तो ये क्या करता है ना गॉल्जी बॉडी बेटा, इसको अपने से अलग कर देता है। तो ये वेसिकल्स बन के बाहर निकल गए। अब इस वेसिकल्स में क्या क्या प्रेजेंट है वो मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट रिपीटिंग, ओके। तो यहाँ पे उसी वेसिकल की बात हो रही है, तो एक स्मॉल वेसिकल जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको हमने लाइसोसोम कह दिया, बस दैट्स इट, ओके। अब इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं ये क्या करता है बेटा, अगर लाइसोसोम को ऐसा दिखता है कि इसके अगल बगल की सेल्स कोई मर गई है, किसी की डेथ हो गई, तो उसको ये क्लीनिंग करने का काम करता है, यानी कि उसको भी खा जाएगा। कैसे, डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब जब इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है बेटा, जैसे प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सारे एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर इसको दिखता है कि इसके अगल बगल कोई सेल डेड हो गया है, तो उसको फटाफट खाने की कोशिश करता है कि मैं क्लीनिंग कर दूं, पहली चीज, ठीक है। और एक और चीज है, हम इसको सुसाइडल बैग क्यों कह रहे हैं, मुझे एक अभी अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने कहा था, फिर से कोई रिपीट करेगा। Yes, ठीक है। अब सोचो बेटा, अगर इस लाइसोसोम की
क्या हो, जैसे कि एंजाइम रिलीज कर दे, माना इसने एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर दिया बेटा, क्या होगा? अगर इसकी मेम्ब्रेन ने एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में चला गया, कहने का मतलब क्या है, होगा क्या? क्या ये सारे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं या कुछ भी हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर खा जाएगा उसको? लगता है आपको ऐसा? नो मैम. नहीं. आकृति शायद. ये पॉसिबल है बेटा. अगर इस वेसिकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है बेटा अभी, अगर इसकी मेम्ब्रेन ने एंजाइम रिलीज कर दिया तो क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. अगर साइटोप्लाज्म में चला गया तो ये तो है एंजाइम, तो ये क्या करेगा? जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल उनको खा जाएगा, इससे क्या होगा? सेल की डेथ हो जाएगी. जब कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा तो सेल तो मर गया, ये तो खुद ही खा जाता है सेल को, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं. ये बात किस किस को क्लियर हुई? सबको क्लियर हो गई? तो बेसिकली लाइसोसोम करता क्या है? क्लीनिंग का काम करता है. ठीक है, क्लीनिंग क्यों करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास बहुत सारे एंजाइम, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यस मैम, ये सेल को क्यों खा देता है? सेल अभी बताया ना बेटा, अगर केस बता रही हूँ, इफ ऐसा हो जाए कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाए या अपने एंजाइम रिलीज कर देगी, तो क्या होगा बेटा? क्योंकि डाइजेस्टिव है ना, अब ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये सबको डाइजेस्ट नहीं कर जाएगा क्या? सोचो. यस मैम. इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है. क्या करता है? अपने ही सेल को खा जाता है. तो अब अपने ही सेल को खा जाएगा तभी तो इसको सुसाइडल बैग कह रहे हैं. या इसके अगल बगल कोई ऐसे सेल मौजूद हो जो डेड हो चुके हों, तो क्लीनिंग भी करेगा, देखेगा यहाँ पे फटाफट से ये सेल मरे हुए हैं, तो ये शायद हो सकता है ये हार्म करें, फटाफट उनको भी खा जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस तो इसके पास है डाइजेशन का. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस मैम. यस मैम. ओके. इसको कहा जाता है बेटा, ये आपने टर्म सुना होगा, ऑटोफैगी, यानी कि खुद को खा जाना. ठीक है. यस. ओके. यस मैम. ओके, इतना समझ में आ गया होगा. अब मैं बाकी क्लास कर लेती हूँ. ठीक है, डेमो क्लास बेटा 20 या 21 और चलेगी. अभी मैंने कहा था 16 तक चलेगी, लेकिन अभी 21 तक चलेगी. ठीक है.